दोस्तों क्वेश्चन है, प्रूव दैट 7 log 16 by 15 plus 5 log 25 by 24 plus 3 log 81 by 80 इज इक्वल टू log 2। तो ये क्वेश्चन है, देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। 7 log 16 by 15 plus 5 log 25 by 24 plus 3 log 81 by 80 ये LHS है, LHS इज इक्वल टू ये सब। ओके, सबसे पहले ये जो मल्टीप्लिकेशन में है उसे हम पावर में डाल देंगे, यानी ये ऐसा हो जाएगा log 16 by 15 whole power 7 plus log 25 by 24 whole power 5 plus log 81 by 80 whole power 3। ये इन सबको सिंप्लीफाई करने का नहीं है, एक शॉर्ट ट्रिक है। अभी हम इसे सबसे पहले ये प्लस में तो इस लॉग कॉमन ले लेंगे, और ये क्योंकि प्लस में है तो इन सब की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, मतलब 16 by 15 whole power 7 multiplied by 25 by 24 whole power 5 multiplied by 81 by 80 whole power 3। तो इसे हमें सिंप्लीफाई तो बिल्कुल से नहीं करना है, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसे हम प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं कि लॉग 16 है तो हम इसे 2 power 4 लिखेंगे, अपॉन 15 है तो 3 into 5 लिख देंगे, होल पावर 7 ये मल्टीप्लाई बाय 25 को 5 square लिख सकते हैं, 24 को 2 cube into 3 मल्टीप्लाई बाय और ये होल पावर 5 और मल्टीप्लाइड बाय 81 को हम 3 power 4 और 80 को 2 power 4 into 5 और होल पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। इसके बाद अब इसे हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं कि 2 power तो 4 into 7 था 28, तो 2 power 28 अपॉन डिवाइडेड बाय 3 power 7 into 5 power 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 power 10 अपॉन 2 power 15 into 3 power 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 power 12 अपॉन 2 power 12 into 5 power 3। यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट्स ओपन कर दिए और पावर्स को ऐड कर दिया। यहाँ पर भी 4 7 से 28 2 5 से 10 3 12 ये सब किया है, बाकी कुछ नहीं स्टेप में। तो इसके बाद हम डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे देखो लॉग में। अभी ये यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 power 28 माइनस के पावर्स को 2 क्लब कर लेंगे, यानी 2 power 28 डिवाइड बाय 2 power 15 और मल्टीप्लाइड बाय 2 power 12 और पावर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 power 28 -15 -12 मल्टीप्लाइड बाय अभी हम थ्री का सबसे पहले देखेंगे 3 power 7 डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाके -7 हो जाएगा, 3 power 12 ऊपर तो पॉजिटिव, नीचे 3 power 7 है तो है -7 और यहाँ पर 3 power 5 है तो ऊपर जाके -5 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 5 का देखते हैं ऊपर 5 power 10 है तो +10, नीचे 5 power 7 है तो -7 और यहाँ पर 5 power 3 है तो -3। तो ये इसे सिंपलीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2 power 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 power 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 power 0। क्यों 3 power 0 क्यों बाय 5 power 0, देखिए 12 minus 5 plus 7 12 माइनस है तो -12, तो 12 minus 12 0, यहाँ पर 10 minus 7 minus 3 यानी 10 यानी 0। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि log 2, क्यों क्योंकि यहाँ पर 3 power 0 तो 1 हो जाएगा, यानी 2 multiplied by 1 तो 2 ही रहता है, तो यहाँ पर 2 log is equal to RHS। थैंक यू।